मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऐलान किया गया है कि अगले महीने की 8 तारीख यानी कि 8 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। योग्य महिला अगले महीने से अपने आवेदन फॉर्म जमा कर पाएंगी। इस योजना को जून माह में लागू कर दिया जाएगा। जून 2023 से हर गरीब महिला के खाते में 1,000 रुपए मिलने लगेंगे। सही में ये योजना जिंदगी बदल देगी, मेरी बहनों की जिंदगी। और मैं शायद यही सोच रहा हूं कि चौथी बार काय को मुख्यमंत्री बना रहे शिवराज, इसलिए बना कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकूं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकूं, अपनी बहन बेटियों को माँ को आगे बढ़ा सकूं, शायद इसलिए मैं फिर से आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला दिवस पर यानी 8 मार्च से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरना शुरू होंगे। इसमें हर महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपए यानी साल में 12,000 और 5 साल में 60,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान कल विदिशा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में भोपाल, सागर और उज्जैन संभाग के 24,94,000 से अधिक हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण कर रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश के 73 लाख किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि 1,465 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित की। साथ ही 80,95,21,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैं अपनी बहनों की जिंदगी को आसान बनाना चाहता हूं। पूर्व से संचालित योजनाओं के साथ अब लाडली बहना योजना मेरी बहनों की जिंदगी को संवारेगी। योजना में मिलने वाली राशि से महिलाएं अपने बच्चों के लिए दूध, फल और सब्जी की व्यवस्था कर सकेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने हमारी बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था, वे सभी योजनाएं पुनः शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कहीं नहीं हुआ वह मध्य प्रदेश में हुआ है और जो किसी ने नहीं किया वह आपका भाई शिवराज करेगा।